لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بدأت ببسم الله في الدرس الثالث تبارك رحمن رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا

तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर के अंदर मैं आपको सिर्फ इतना सिखाऊंगा कि सब आरुफ का क्या मतलब है नाजरीन एक ग्राम इससे पहले जितने भी लोग मेरे साथ इस वक़्त मेरे मिशन में वबस्ता हो चुके हैं उन सब का मैं मत दिल से शुक्र गुज़ार हूँ दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम हम सब को अपने मिशन में कामयाबी व कमरानी अता फ़रमाए सबक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे तो आइए सबक का आगाज करते हैं तो अगर मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि सब अहरफ का मतलब क्या है सब अहरूफ का मतलब ये है कि सही और शाज यानी किरात की रवायात के अंदर सही अलफा भी शामिल हैं बार बार इस्तेमाल होते हैं और शाद अलफा भी क्या होते हैं बार बार इस्तेमाल होते हैं यानी एक लफ है वो शाद है या सही है तो उसके कई मानने किए जा सकते हैं अगर शाद अलफा इस्तेमाल हुए हैं या सही अलफा इस्तेमाल हुए हैं तो उनके मानी तो हमारी शुमार से बाहर हैं लेकिन अगर मतलब और मफहूम के अतबार से देखें तो एक लफज के दो मानी किए जा सकते हैं एक लफज के दो मानी किए जा सकते हैं अब नहायत आसान तरीके से आपने इसको ऐसे समझना है कि दो कुल्लियां हैं दो कुल्लियों के अंदर तमाम जुजयात को क्या करना है शामिल और दाखिल करना है और वो क्या है कि एक कुल्ली सही है दूसरी कुल्ली शाद है अब ये दो कुल्लियां हैं अब माने तो हम इनके शुमार नहीं कर सकते हैं ना लेकिन अब ये समझने का एक आसान तरीका है सान तरीका क्या है कि दो कुल्लियां बना लेनी आपने एक सही और एक शाद इन दोनों के अंदर आपने तमाम जुजियात को क्या करना है शामिल और दाखिल करना है अब उसके तीन तरीके हम क्या करेंगे बनाएंगे तीन सूरतें हम बनाएंगे ठीक है और वो तीन सूरतें क्या हैं दो कुलियों में तमाम जुजियात को दाखिल और शामिल करना है तो हम उसके लिए तीन सूरतें क्या करेंगे बनाएंगे कितनी बनाएंगे तीन सूरतें बनाएंगे नाजरीन कराम आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जरा तवज्जो के साथ करिए क्या करिए सुनिए सही और शाद अल्फाज के अंदर बार बार इस्तेमाल होते हैं इसलिए बाल माना शुमार से बाहर हैं मतलब और मफहूम के एतबार से एक लफज मतलब और मफहम के एतबार से एक लफज के दो माने किए जा सकते हैं मतलब और मफहूम के एतबार से एक लफ के दो मायने किए जा सकते हैं अब आप ऐसे समझिए कि दो कुल्लियां हैं दो कुल्लियों के अंदर तमाम जुजियात को क्या करना है शामिल और दाखिल करना है और वो दो कुल्लियां क्या है सही और शाज मैं ये आपको समझ ले कि एग्जाम्पल बता रहा हूं ठीक है कि कैसे इसको आपने शामिल करना है क्योंकि माने के एतबार से तो ये हमारी अहाते से बाहर है शुमार से बाहर है लेकिन अब कैसे समझना है कि सही और शाज दो कुल्लियां हैं तो दो कुलियों के अंदर तमाम जुजियात को आपने क्या करना है शामिल करना है तो अब उसकी हम बना लेंगे तीन सूरतें फर्क हो लेकिन माने में फर्क ना हो नंबर दो नंबर दो लफज और माना दोनों में तगज हो नंबर तीन लफज और माना में इतहाद रहे यानी दोनों मुतहद रहे लफज भी लफज के अंदर भी कोई फर्क ना आए और माने के अंदर भी कोई तगज ना आए यानी लफ्ज और माना तीन दोनों क्या हो मुत हो लेकिन कैफियत के एतबार से अल्फ में क्या होती हो किस्म किस कई किस्म किसी किस्म की क्या होती हो तब्दीली आती हो क्या कितनी सूरतें बना लेनी है तीन नंबर एक के लफ्ज में फर्क हो माना में फर्क ना हो नंबर दो लफज और माना दोनों में फर्क हो तगुर हो नंबर तीन लफज और माना दोनों में क्या हो इतहाद हो लेकिन कैफियत के एतबार से उनके अंदर क्या होती हो तब्दीली आती हो कैफियत का मतलब क्या है तरक्की व तफीम तसहीलो तहकीक मद वकर इमाला ठीक है इस अतबार से जो असूली अख्तलाफात हैं इस अतबार से उनके अंदर क्या आता हो थोड़ी सी तब्दीली आती हो लेकिन बाज़ जो आईमई कराम जैसे कि अल्लामा जजरी रहमत ताल और अबू उमर और इब्ने हाजब इन जैसे जो जो हस्तियाँ हैं वो फरमाती हैं कि उख्तलाफात के अलावा भी दीगर कुछ ऐसे अख्तलाफात भी हैं जहाँ पर माना और लफज के अंदर कोई भी किसी किस्म का तगुर नहीं होता है तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल जो है वो यहां पर लिख कर लिखा हुआ है मैंने यहां पर आपको मैं समझाता हूं कि सही और शाह अल्फाज जो कि दो कुलियों के अंदर दो कुलियां हैं सही और शाज दो कुलियां हैं ठीक है दो कुलियों के अंदर तमाम जुजियात को कैसे शामिल करना है तीन सूरते हैं नंबर एक लफज में फर्क हो माना में फर्क ना हो जैसे कि कुरान पाक में लफज आता है खुद अब जैसे कि कुराने करीम में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ खुतु अब खुतुआत मैंने छोटा सा ये जो खुतुवात लिखा है आप कुरान पाक में भी पढ़ सकते हैं खुतुवात अब यहाँ पर खुतु असल में जो कुरान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है खुतुवात खुतु, वाद। खुतु वाद। अब खुतुआत जो कुरान में लफज इस्तेमाल हुआ है उसको हम खुत वात खुत वात भी पढ़ सकते हैं ठीक है अब ये लफज तो लफज में फर्क है लेकिन माना क्या है इनका एक है और माना क्या है कदम ला तब्य खुतवा शैतान तुम शैतान के कदमों की पैरवी ना करो ठीक है लफज में फर्क हो लेकिन माना में फर्क ना हो और लफज में फर्क हो माना में फर्क ना हो तो पहली मिसाल क्या है खुतवात जो कुरान में इस्तेमाल हुआ है वो खुतवात है अब इस खुतवात को आप खुतवात भी पढ़ सकते हैं ठीक है नंबर एक दूसरे नंबर पे आता है हुजू वन हुजू वन तो अब इस हुजू वन को हुजू अन पढ़ सकते हैं ठीक है यानी लफज में फर्क है माना में फर्क नहीं है ठीक है खुतवात जू हुजुवन को हुजुअन, हुजुउन, हुजन क्या कर सकते हैं आप पढ़ सकते हैं जैसे कि वलम यकुल्लहू कुफुवन तो अब वलमयुल्लू कुफुवन अहद जो है ये सूरह इखलास है तो अपने आपने जो है वो कुछ कुर्रा को सुना होगा कि वलम यकुल्लाहु कुफ अन पढ़ते हैं कुफ अन अहद तो ये किरात में शामिल है ठीक है ये क्या है हुजन ये उसी बरवजन हुजन कुफुवन ठीक है उजुवन बरवजन कुफुवन तो कुफुवन जो वलम यकुल्लाहु कुफुवन सूरह इखलास में आता है कुफु उन और कुफन कुफ अन आप क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं ठीक है हुजुवन हुजुन और हुजन और अब सिरात को सी राता। सी राता। साथ के साथ है और ये सीन के साथ है मैंने आपको पहले बताया है कि आपने सब या का मतलब समझना है और वो सही और शाद अल्फाज हैं जो किरात के अंदर इस्तेमाल होते हैं ठीक है, वो सही है बाद सही हैं और बाज क्या हैं? शाद हैं लेकिन अगर माने पर जाएं तो बहुत ज्यादा हैं उनको समझने के तीन तरीके हैं ठीक है दो कुलिया बनानी है दो कुलियों के अंदर तमाम जुजियात को शामिल करना है कैसे तीन सोतों में नंबर एक लफ में फर्क हो माने में फर्क ना हो खुद हु ये मैंने मिसालें लिखी हैं तो आगे आपको समझ में आए कुरान पाक में है खुतुवा हमजा के साथ ठीक है के साथ और वाओ के ऊपर खड़ा जबर भी आप इसको क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं वन, कुराने पाक में आया है वन, तो आप इसको उन, हुजन भी क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं ये शाद और सही अल्फाज में आपको आज मैं आपको मतलब समझा रहा हूं सबरुफ का मतलब के सही और शाद अल्फाज कैसे हैं को सीन के साथ और यह सबुन को यह सीबुन सीन के जेर के साथ भी पढ़ सकते हैं आलही हम अल हम हिम जैसे क्या पढ़ते हैं गैरमकद या अल हिम पढ़ते हैं तो अलही हम क्या करते हैं पढ़ सकते हैं गुदुस, को कुदस को कोदस ये वो ये वो है कि लफज में फर्क है लेकिन माना में फर्क नहीं है ठीक है खुदवात हुन को हु कुरान पाक में अलिफ के साथ आया है आप इसको वो के खड़ा जबर खुतवात के साथ सकते पढ़ सकते हैं हुन को हु पढ़ सकते हैं कुरान पाक में आया है इसको भी पढ़ सकते हैं ये खिरात की बुनियादी चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं अगर आप इनको समझ में आ जाएंगे आपको तो आगे जाके जब हम रवायात पढ़ेंगे इकराम की फिर वहां आपको समझ में क्या होगा निहायत ईजी होगा आसान होगा तो आगे आ जाता है दूसरे नंबर पर लफ्ज और माना दोनों क्या हो मुतजर हो और वो क्या है लफज और माना दोनों मुतजर हो वो है कुर रबी कुर रबी तो इसको काला रबी पढ़ेंगे तो ये लफज भी मान लफज भी चेंज हो जाएगा माना भी चेंज हो जाएगा यन शुरुकुम अब एन शुरुकुम को आप यूस यूसैरुकुम पढ़ेंगे तो माना भी चेंज हो जाएगा और लफज भी चेंज हो जाएगा या को या ठीक है यानी स्वाद को दौद पढ़ देना लफज भी चेंज कर देना माना भी चेंज कर देना यक को पढ़ना ठीक है यानी तीन सूरतें नंबर एक लफज और माना लफज में फर्क हो माना में फर्क ना हो नंबर दो लफज में फर्क हो और माना में भी फर्क हो अब तीसरी सूरत आ जाती है कि लफज और माना दोनों क्या हो मुत हो यानी अब ये खुतुआत जो कुरने पाक में इस्तेमाल हुआ है या हज़ू वन जो कुरने पाक में इस्तेमाल हुआ है लफ भी एक ही रहे माना भी एक ही रहे लेकिन वहाँ पर उसूली इख्लाफा क्या मतलब कैफियत के अतबार से उसमें क्या आ जाएगा इख्तलाफ मतलब को तफखीम मोटा पढ़ने को ब्रीक पढ़ देना ब्रीक को मोटा पढ़ना या माला करना था तो इमाला नहीं किया या वहाँ पर मद्दो कसर करना छोटा कर देना लंबा कर देना जैसे कि आपने कुछ कुर्रा को सुना होगा वो मैं अद रॉ का मोटा पढ़ना था तो वो मैं अद रैक है अद रैक है तो ब्रीक पढ़ते हैं ये मतलब ये तफ़ीम तरकीक कैफियत के अतबार से किस्म किस्म की क्या होती हैं तब्दीलियाँ होती हैं उसी अख्तलाफ़ात है, समझा गए तो ये असूली इख्लाफात हैं तो लेकिन बाज़ जो क़राम है वो फरमाते हैं इन तीनों सूरतों से हट कर जो है वो लफ्जी और मानी ए से देखें तो तगुर नहीं होता है और वो कौन से सीमा है ज़ज़री अबू उमर और इबन हाजिब र्ल तो ये तमाम जो है तो ये सब नदर निक्रम ये था सब अहरुफ का मतलब शॉर्टकट में आपको यही समझाना चाहता हूँ सही और शाद अल्फा हैं सही और शाद अल्फा किराद के अंदर इस्तेमाल होते हैं मान के अतबार से हमारे शुमार से बाहर हैं लेकिन इनको कैसे शुमार किया जाएगा आपने एग्जाम्पल बना लेना है दो कुलियाँ लेनी है दो कुलियों के अंदर तमाम जुज को क्या करना है शामिल करना है और उसकी तीन सूरतें बनानी हैं नंबर एक लफज में फर्क हो माना में फर्क ना हो उसकी मिसालें हैं लफ में भी फर्क हो माने में भी फर्क हो नंबर तीन लफज और माना मुतहद रहें लेकिन कैफियात में क्या हो तब्दीलियाँ होती हो तो नाजरेन इक्राम आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ इन शजीज मेरी और आपकी अगले लेसन के अंदर मुलाकात होगी और जल्द ही होगी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए इन शजीज अगले लेसन में मुलाकात होगी الله حفيظ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته